गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी फ्रेंड्स हाँ, पैन और आधार को जो लिंक करने की डेट है लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्या वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी सारे मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप पे ये सारी जगह पर चलाई जा रही हैं जुड़े रहिएगा है इस वीडियो के एंड तक पूरी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से आपको समझ में आ जाए यहां आप देख पा रहे हैं एक नोटिफिकेशन किया गया 21 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से इसमें क्या बताया गया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई सेक्शन 23 थ्री सबसेक्शन फाइव ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन ट्वेंटी थ्री 5 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन नंबर ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट यानी कि जो आपका पैन और आधार लिंक करने वाली बात है उसका इस नोटिफिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है फिर सर ये है क्या चीज यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं कि फर्स्ट अप्रैल 2023, द डेट एंड वर्ड्स 31 मार्च 2024 ट्वेंटी आईडी कार्ड जी हाँ फ्रेंड्स वोटर आईडी कार्ड को जो आप आधार कार्ड से लिंक करेंगे उसके लिए आपको अब 31 मार्च 2024 तक का टाइम जो है वो दे दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है पार्लियामेंट के अंदर भी एक रिक्वेस्ट डाली गई है और उसमें ये बोला गया है कि छह महीने का एक्सटेंशन जो है वो दिया जाना चाहिए ये अभी रिक्वेस्ट है ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है जैसे ही कोई अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे आपको वो सर्कुलेटेड दिख जाएगी तो जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपडेट्स आपको मिल ही जाएंगे अगर आप तक अभी तक नहीं पहुंची है ये जानकारी कि जुड़ना कैसे है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे ही अपडेट आए आप तक पहुंच जाए तो अब 31 मार्च 2023 से पहले पहले आपको अपना पैन और आधार जो है वो लिंक करना मैंडेटरी है अदरवाइज होगा क्या होगा ऐसा कि आपका जो पैन कार्ड है वो इन ऑपरेटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पर सेक्शन 139 थर्टी नाइन डबल ए जो है वो कहता है कि इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू द पर्सन शेल बी मेड इन ऑपरेटिव आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड ये जो नोटिफाइड डेट है अभी इकतीस मार्च दो हजार तेईस ही है फॉर पैन नंबर नॉट फॉर वोटर आई डी वोटर आई डी के लिए अलग डेट है पैन के लिए आधार लिंकिंग की डेट अलग है और इसको लिंक करने के लिए अभी आपको हजार रुपए की लेट फीस जो है वो पे करनी होगी और उसके बाद आप अपना लिंकिंग रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जी हां फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस आधार लिंकिंग को करने के लिए भी रिक्वेस्ट डाली गई है तो यहाँ हजार रुपए जो लग रहे हैं वो भी अब जो है हो सकता है कि माफ हो जाए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसी कोई भी अपडेट जो है नहीं है सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट जो हैं वो गए हैं 31 मार्च के बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो जहां-जहां आपका पैन एज अ केवाईसी डिपॉजिटेड है उन सारे फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स में फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो इस चीज को जल्द से जल्द जो है लिंकिंग के प्रोसेस के थ्रू ले जाकर के अपने आप को अपडेट कर लीजिए और आप देखेंगे तो जो ये रिक्वेस्ट भेजी गई है एक्सटेंशन के लिए इसमें क्या रिक्वेस्ट करी गई है अब आई अपील टू योर दैट माय मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू हैज इंट्रोड्यूस्ड अ नोटिफिकेशन इन ऑर्डर टू लिंक आधार कार्ड विथ पैन कार्ड ऑनलाइन अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ वन थाउजेंड रुपीज टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानि की हजार रुपए का जो पेमेंट है वो करके आप 31 मार्च 2023 या उससे पहले अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करा सकते हैं आई फर्दर रिक्वेस्ट यू दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन डू लिव इन एक्सट्रीम रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री वेयर इंटरनेट फैसिलिटीज आर रेयरली अवेलेबल यानी कि वहां इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है एंड हैव स्टार्टेड एक्सटॉर्टिंग मनी स्टेटिंग एज देअर फीस फ्रॉम दीज इनोसेंट सिटीजन यानी कि जो हजार रुपए की लेट फीस लग रही है वो वो कुछ लोग जो है इस हजार रुपए की लेट फीस के बहाने लोगों से पैसे जो है वो ले ले रहे हैं दिस इज अ एंड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड नॉट कंप्लाइंग विद दिस ऑर्डर वुड ब्रिंग एक्सट्रीम मिजरी टू मोस्ट ऑफ देम कहने का मतलब है कि अगर आपने पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो आपके लिए समस्या तो हो सकती है इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई

ट नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और छह महीने तक इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करी जानी चाहिए यानी कि 30 सितंबर 2023 तक इसकी डेट जो है वो फर्दर एक्सटेंड की जानी चाहिए ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो गई है अभी इस पर कोई एक्शन नहीं है कोई नोटिफिकेशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस चीज को ज्यादा भी अभी ये मान के ना चले कि डेट एक्सटेंड जो है वो हो ही जाएगी तो अभी फिलहाल का जो सिचुएशन है वो ये है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से पहले आपको अपना पैन या आधार जो है वो लिंक कराना है और इस नोटिफिकेशन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है क्योंकि ये पैन आधार के लिए रेलिवेंट किसी भी तरीके से नहीं है और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ है अपने करीबियों को अपने दोस्तों को अपने प्रोफेशनल्स को कलीग्स को सब लोगों को ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस जो है वो अच्छे से समझ जाए और अगर आपको जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं इसका बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें जीएसटी के सेक्शन वाइज एनालिसिस जो है वो हम लोग कर रहे हैं इन पूरे सेशन्स की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको मिलेंगी और उस चीज की वैलिडिटी आप डेट ऑफ परचेज से अगले एक साल तक जो है वो एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स टैक्स मैगजीन के रूप में चाहिए तो आप उसके लिए भी सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे